अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं टेक आईटी मास्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैज की सिम पे अक्सर सर्विसेज एक्टिव कर दी जाती हैं कंपनी एंड से, जबकि हमारा उस सर्विस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। हमने कभी वो सर्विसेज जो है वो सब्सक्राइब नहीं की होती, खुद ब खुद उसकी एक्टिवेशन भी कर दी जाती है और उससे डिडक्शन भी हो जाती है हमारे बैलेंस से। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, आपने अपनी इन एक्टिव सर्विसेज को ख़त्म कैसे करना है बगैर हेल्पलाइन पे कॉल किए, बगैर इनके फेसबुक पेज पे या ट्विटर पे कंप्लेंट किए। आप अपनी सिम के, अपने मोबाइल के इस्तेमाल से किस तरह उनको ख़त्म कर सकते हैं और चेक किस तरह कर सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज लगी हुई हैं। तो पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि आपने टेलीनार की फजूल सर्विसेज को ख़त्म किस तरह करना है। दोस्तों ने हमसे पूछा कि आप जैज़ पे भी रिसर्च करें, तो हमने जैज़ पे रिसर्च की है। तो आज इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले हैं कि आपने सर्विसेज कैसे ख़त्म करनी है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस हम डालते रहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें और यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने आ जाना है व्हाट्सएप में। जी हाँ दोस्तों, हर बंदा व्हाट्सएप तो यूज़ करता ही है। सिंपल सा काम आपने करना है, आपने आ जाना है व्हाट्सएप में। तो व्हाट्सएप में यहाँ पे जैज़ का नंबर ये वाला आपने सेव कर लेना है, 03003008000। दोस्तों इस नंबर को आपने अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। जैज़ वालों की व्हाट्सएप आपके सामने शो हो जाएगी। जैसे ही जैज़ का व्हाट्सएप शो होगा, आपने सिंपल टाइप करना है hi लिख के आपने इनको सेंड कर देना है। इनका फौरन जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि डेटा बंडल्स आप यहाँ से लगा सकते हैं, ऑल इन वन बंडल लगा सकते हैं, पैकेज एंड टैरिफ डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने क्या करना है, अपनी एक्टिव सर्विसेज चेक करनी है, तो उनका तरीकाकार क्या है। यहाँ पे दोस्तों लास्ट पे 11 नंबर जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी VAS, इसको हमने ओपन करना है। यानी हमने 11 के साथ करना है रिप्लाई, 11 लिख के हमने इसको सेंड कर देना है। अब 11 नंबर वाला जो मेन्यू है VAS का, ये खुद ब खुद हमारे सामने खुल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। आपने 11 नंबर पहले सेलेक्ट करना है वैल्यू एडेड सर्विस वाला। उसके बाद दोस्तों तीन ऑप्शन चार आएंगे हमारे पास, एक सब्सक्राइब VAS, दूसरा करंट VAS स्टेटस, तीसरा अनसब्सक्राइब VAS। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि हमारी करंट जो VAS स्टेटस है वो क्या है। अगर हमारा कोई सर्विस एक्टिव होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर आपकी कोई सर्विसेज नहीं लगी हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको ये कैसे शो करवाएगा। दो पे हम क्लिक करते हैं, करंट पे, तो VAS स्टेटस जो है हमारा वो बता देगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि माई स्टेटस का जो सर्विस चार्जेस है 1.43 रुपये डेली के, वो नहीं लगी हुई। जैज कलर नेम भी नहीं लगी हुई, नोटिफाई में भी नहीं लगी हुई, यानी मेरी कोई सर्विस इनमें से बेजा फजूल कटौती वाली नहीं लगी हुई, तो मैं खुशनसीब हूँ। लेकिन अक्सर दोस्तों की सर्विसेज एक्टिव कर दी जाती हैं, मेरी भी कभी कभी एक्टिव हो जाती है, जबकि फिर मुझे ख़त्म करानी पड़ती है, जैज़ वाले खुद ही लगा देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पीछे मेन मेन्यू में जाते हैं 0, तो हमारा मेन मेन्यू फिर आ जाएगा। हमने क्या करना है, फिर 11 में आ जाना है। तो इनका मैनुअल तरीका भी है, मैनुअल तरीका इनको ख़त्म करने का क्या है दोस्तों, 4 नंबर पे यहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बता रहे हैं। तो 4 पे क्लिक किया, 4 पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये हमें कुछ डिटेल्स जो है वो सेंड करेगा, इन्फॉर्मेशन जो जैज़ हमें सेंड करेगा। मेरा ज़रा इंटरनेट स्लो हो गया जिसकी वजह से इनका फौरी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 4 नंबर पे यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। मोर इन्फॉर्मेशन में तमाम VAS सर्विसेज जो कि जैज़ अक्सर हमारी स्विमिंग पर लगा देता है, जिनमें जैज़ ट्यून, कलेक्ट कॉल, जैज़ एडवांस सर्विस, मिस्ड कॉल अलर्ट, बीप कॉल, जैज़ शेयर, ऑटो रिप्लाई, स्मार्ट सर्विस, स्मार्ट SMS, उसके अलावा ज़ीरो बैलेंस कॉल, डबल अप नंबर कॉल एंड SMS ब्लॉक। इनमें से बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं की, इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इनमें से अक्सर सर्विसेज जो हैं हमारी सिम्स पे एक्टिव कर दी जाती हैं। और हमें जब हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं कहा जाता है कि जनाब ये सर्विस आपने ख़रीदी है। तो इनके चार्जेस भी आप देख सकते हैं डेली बेस पे, किसी के 2.5 रुपये, किसी के 2 रुपये, किसी के 1 रुपये और एक सर्विस के 2। वीकली चार्जेस यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रुपये के करीब चार्ज किए जा रहे हैं। यहाँ पर 9 रुपये वाली सर्विस भी है एक। तो ये दोस्तों आप चीज़ें देख लें, यहाँ पर
इनके एक्टिवेशन कोड हैं, एक्टिवेशन तो हमने करनी नहीं होती इनकी, हम इनसे वैसे ही तंग होते हैं, तो इनको ख़त्म करने का जो मैनुअल तरीका कार है दोस्तों वो आप ये देख लें। आप ये काम करें, आप व्हाट्सएप पे ये वाली इन्फॉर्मेशन मंगवा लें, मंगवाने के बाद आप इसको जैसे ही इसको सेव करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में चली जाएगी। आप बाद में महतात रहें, जब भी आपको कोई मैसेज आता है किसी सर्विस की कटौती का, तो आप फ़ौरन से पहले ये ऐप जो पेज है इसका इसको ओपन करेंगे गैलरी से, यहाँ पे देखेंगे जो सर्विस लगी हुई है दोस्तों उसको ख़त्म करने का जो आगे कोड है या उनका SMS का प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए फ़ौरन से पहले वो सर्विस ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। उम्मीद है हमारी ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे इंशाल्लाह।